आप सबका स्वागत है गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी एक नई वैकेंसी आई है। जो भी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे यूजफुल यूजर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जिसके मन में तमन्ना है देश की सेवा करने का, तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए फिर एक वैकेंसी आई है। जो फ्रेंड्स आई है हमारे पे असिस्टेंट कमांडेंट। जी हाँ फ्रेंड, असिस्टेंट कमांडेंट की तरफ से CISF ने आपके लिए एक वैकेंसी जारी की है, जो आपको एक सीधा एक कमांडेंट कमांडो को बनने की आपको ऑफर प्रोवाइड कर रहा है। तो फ्रेंड्स जानते हैं उसका क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या आपकी ओपन कैटेगरी रहेगी, क्या ओबीसी है, क्या EWS है, क्या ST है, क्या SC है, सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो फ्रेंड इन सब को देखने के बाद आप देखिए कि आप क्या उसके लिए एलिजिबल है, क्या आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने जा रहे हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम चलते हैं जो आपकी असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी है उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं। तो फ्रेंड UPSC को हर कोई जानता है, ये आपकी CISF एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया है, जो आपका 30 नवंबर से जारी होकर आपका रहने वाला है 20 दिसंबर तक। तो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप इस नवंबर से दिसंबर तक अपने फॉर्म भर सकते हैं, क्या आपके पास पूरी एज एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, क्या हम इसको भर तो देंगे, क्या हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस को क्रैक कर पाएंगे, हमको किस चीज की तैयारी करनी है, क्योंकि फॉर्म भरना कोई बहुत बड़ी महारत नहीं है, हमें सबसे बड़ी बात है हम पेपर को क्रैक करना। तो फ्रेंड्स हम एक बार स्टैक बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी UPSC CISF रिक्रूटमेंट चालू हो चुका है, आपको इसके लिए अप्लाई करने के लिए कुछ सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, वो हम सारा आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाएंगे, जहां पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने असिस्टेंट कमांडेंट एग्जीक्यूटिव की जॉब निकाल रखी है, जो 30/11 से चल के 20 दिसंबर तक चलने वाली है। फ्रेंड्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी, अगर आपको विजिट करना है तो ये ऑफिशियल लिंक आपको लगा दिया है, ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अवेलेबल मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ी एज लिमिट की। फ्रेंड्स अगर एज लिमिट देखी जाएगी तो इसके अंदर 35 ईयर आपकी मैक्सिमम मांगी है और आपकी मिनिमम 18 साल की आपके पास मिनिमम एज होनी चाहिए। अगर फ्रेंड्स अगर आप ओबीसी हैं, अगर एसटीसी हैं, तो आपको इसको एज पर गवर्नमेंट की तरफ से आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है, जैसे ओबीसी को 3 ईयर्स का, एसटीएससी को 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एजुकेशन, आपके पास कितनी पढ़ाई होनी चाहिए। फ्रेंड्स इसके लिए आपको ओनली ग्रेजुएट होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम, अगर आप किसी भी स्ट्रीम के अंदर ग्रेजुएट है तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल है। अगर आपके पास +2+ NCC का BC सर्टिफिकेट है तो आपको इसका एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा आपको सिलेक्शन के अंदर और आपके इंटरव्यू के अंदर। फ्रेंड्स अब देखते हैं इसकी बात सैलरी की। तो फ्रेंड्स सैलरी इसकी आप देख सकते हैं 56,100 से लेके 1,77,500 तक पर मंथ बैठता है। और फ्रेंड्स ये कौन सी माता है, पे बैंड 3, जो एक ऑफिसर के लिए होता है। जैसे रैंक होता है सबसे पहले इसमें असिस्टेंट कमांडेंट, उसी की इक्विवेलेंट होगा जैसे आर्मी में लेफ्टिनेंट और एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर और आपका नेवी में लेफ्टिनेंट। तो फ्रेंड्स इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर भी होता है जिसको आप देख सकते हैं। बेसिक सैलरी आपकी 1500-1600 है, ग्रेड पे 5400 रहने वाली है, डीरिंग अलाउंस 26,250, तो टोटल सैलरी आपके मान सकते हो 44,135 आपके हाथ के अंदर आएगी। अब फ्रेंड इसके साथ थोड़ा सा हम एक चीज और देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। भाई हमें रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड लगेगा, फिजिकल एफिशिएंसी लगेगी, इसमें आपका एक पर्सनल इंटरव्यू भी लगने वाला है और साथ में होगा आपका एक मेडिकल। अब आपके इसमें क्या क्या आने वाला है, तो फ्रेंड सबसे पहले हम देखते हैं रिटर्न के अंदर आपका क्या प्रोसेस है। तो फ्रेंड जो आपका रिटर्न एग्जाम होता है इसके अंदर आपके 2 पेपर लगते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में जनरल एबिलिटी, इंटेलिजेंस और आपकी प्रोफेशनल स्किल्स के क्वेश्चंस होंगे। दूसरी बात जो पेपर 2 चलने वाला है उसमें SEM का, प्रिसीव राइटिंग और एक कॉम्प्रिहेंसिव का पेपर क्वेश्चंस आएंगे। अब भी हमने पेपर 1 तो डिस्कस कर लिया, इसका वेटेज क्या रहेगा। तो फ्रेंड जो पेपर 1 का जो आपका CISF एग्जीक्यूटिव का पेपर लगेगा वो 2 पार्ट्स में होता है, जनरल एबिलिटी और आपका इंटेलिजेंस एंड प्रोफेशनल स्किल। जो पेपर 1 होगा इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे आपके 150, जो ईच को जो क्वेश्चंस होंगे ना वो 300 मार्क्स को कैरी करेंगे। तो इसका हम मान सकते हैं कि 2.5 घंटे का पेपर लगेगा जिसमें आपका 150 क्वेश्चन और 300 मार्क रहने वाले। फ्रेंड जो पेपर है आपका कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप,
मतलब एबीसीडी का क्वेश्चन होंगे, आपको एबीसीडी करके उस पर आपको गोले भरने होते हैं। और फ्रेंड्स जो पेपर का जो आपकी लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश भी होगी और हिंदी भी होगी, तो फ्रेंड्स आपको डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। पेपर अगर आप इंग्लिश में समझ नहीं आता तो हिंदी में समझिए, हिंदी में नहीं आता तो आप इंग्लिश में समझ सकते हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स आपके टॉपिक वाइज, तो फ्रेंड्स जैसे पार्ट ए पार्ट बी, जैसे आपका जनरल एंड एबिलिटी और इंटेलिजेंस में 75 क्वेश्चन 150 नंबर, आपका प्रोफेशनल स्किल का 75 क्वेश्चन 150 मार्क, और टोटल मार्क टोटल कितने घंटे का, 2.5 घंटे का आपका पेपर लगने वाला है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सेकंड का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें, सेकंड पेपर जिसमें आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा, एसे प्रिसीव राइटिंग और कंप्रीहेंसिव। तो जो आपका सीआईएसएफ का होता है इसके अंदर आपका जो टू पार्ट्स होंगे वो आपके जो टोटल आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है, जिसके अंदर पार्ट ए आपका एसे आएगा, पार्ट बी में कंप्रीहेंसिव एंड प्रिसीव राइटिंग। ये जो आपका एसे होगा इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, पर जो राइटिंग पार्ट होगा डिस्क्रिप्टिव पार्ट वो आपका इंग्लिश में ही रहने वाला है। टोटल 2 आवर्स और टोटल मार्क्स आपके 100 मार्क्स का रहेगा। अब इसी तरह बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपके जो पूरा सिलेबस है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फॉलो क्या आता है, हमारा सिलेबस। तो फ्रेंड्स पार्ट ए में आप देख सकते हो जनरल एबिलिटी के अंदर वो क्वेश्चन आएंगे जो आपके लॉजिक रीजनिंग में होते हैं, जनरल साइंस में वो होंगे जो जनरल अवेयरनेस होंगे, साइंटिफिक टेम्पर होंगे, और जो हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी को कवर करते हुए होंगे। उसके बाद इसमें होगा करंट अफेयर, जो हमारे डेली के करंट अफेयर्स है, कल्चर म्यूजिक आर्ट लिटरेचर, इसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर रेफर करना पड़ेगा। फिर देन जनरल अवेयरनेस में आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी और इंडिया वर्ल्ड की हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी मिला के आपकी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस बनेंगे। अब बात आती है बी प्रोफेशनल स्किल, तो फ्रेंड पर्सनल के अंदर प्रोफेशनल स्किल के अंदर सीआईएसएफ आपके रिलेटेड प्रोफेशनल स्किल्स के क्वेश्चंस पूछेगा, जिसमें आपकी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फाइटिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, एविएशन, क्राइम, पैरामीटर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ विजुअल इंटेलिजेंस, यूज ऑफ गजेट्स, जैसे आपको अलार्म डिटेक्शन किस तरह करना है, बॉम्ब डिस्पोजल, वीआईपी सिक्योरिटी वगैरह वगैरह, ऐसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। साथ में कुछ लॉ के भी क्वेश्चंस होते हैं, कंप्यूटर के होंगे, और आपकी सर्विस एचआर मैटर। तो फ्रेंड्स ये सारा आपका पेटर पेपर करेगा रिटर्न के अंदर। फिर आपकी बात आती है आपकी सिलेबस रह रहा है इंग्लिश का, तो फ्रेंड्स ऐसे होगा, इस ऐसे के अंदर आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपकी सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स के इश्यू के ऊपर। जो पार्ट बी होगा फ्रेंड्स उसमें आपका प्रिसीव राइटिंग होगी, सिंपल ग्रामर आएगी, कंप्रीहेंसिव पैसेज होगा, डेवलपिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लैंग्वेज टेस्ट ली जाएगी। तो फ्रेंड्स ये टोटल आपका रिटन टेस्ट का पार्ट रहता है। उसके बाद होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें 100 मीटर की दौड़ होगी, 800 की एक लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट होता है। 100 मीटर में आपको मेल को 16 सेकंड में, फीमेल को 18 सेकंड में क्लियर करना होगा। उसी तरह फ्रेंड्स आप 800 मीटर को 3 मिनट 45 सेकंड में, उसी तरह फीमेल को 4 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर की हाइट चांस, सबसे लंबी जो लॉन्ग जंप होगी इसमें 3 चांस दिया जाएगा, फीमेल को मात्र 3 मीटर ही दिया जाएगा 3 चांसेस के साथ। शॉर्ट पुट आपका 7.2 kg उठाना होगा, जो सिर्फ मेल के लिए होता है, 4.5 मीटर पे फीमेल के लिए कोई इसके लिए ऑप्शन नहीं होता। अब आती है फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड में जो आपकी हाइट 170 जनरल मेल की होती है, फीमेल की 157, और चेस्ट 80 से 85 फीट फुलाव के साथ, फीमेल की कोई चेस्ट नहीं होती। फ्रेंड उसके बाद गोरखा जो आपके एसटीएसटी कैंडिडेट होते हैं इनको रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो, और आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसको डिटेल के अंदर आपको मिल जाएगा। अब फ्रेंड इतना होने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट के अंदर कुछ और अपने को खामियां हैं उसको दूर करना होगा, अपनी आई साइट, जैसे आपकी 6x6 आपकी आई साइट होनी चाहिए, अगर आपके चश्मा भी है तो आप मान के चलिए 4x6 इसके लिए आपकी आंखें होनी चाहिए। कैरिंग एंगल आपके हाथ का बिल्कुल एंगल सही होना चाहिए, ज़्यादा एंगल नहीं होना चाहिए, कान साफ होने चाहिए, नाक साफ होनी चाहिए, और आपके पास कोई भी जनरल मेडिकल और अगर स्पीच स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। अब फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस का सब कुछ हो जाता है, तो फ्रेंड्स आपका लास्ट में डॉक्यूमेंट प्रोसेस होगा और फाइनली आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो फ्रेंड इसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना होगा, तो फ्रेंड इसको एक बार आपको मैं पूरा इसको बता देता हूँ। आपको अप्लाई के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जो फ्रेंड्स आपकी है ये गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी, आप जैसे इसके ऊपर आएंगे ये सारी चीज़ हम आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में बता चुके हैं। आपको आने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और आप इसको यहाँ से आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अभी नोटिफिकेशन आपका ओपन हो चुका है, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा। जैसे फ्रेंड इस पे मैं आया, इस पे मैं जाऊंगा ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ORA के ऊपर, जहाँ फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सारे आपको
यहाँ पे जितनी भी आपकी वैकेंसीज आ रखी आपको यहाँ पे असिस्टेंट एग्रीकल्चर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे वाइस प्रिंसिपल्स का हो गया। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे वैकेंसी शो नहीं हो रही, जैसे भी होगी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो फ्रेंड आशा करते हैं कि आपको सारी यूपीएससी की जो अभी वैकेंसी आई है पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप आइए, आप हमें बताइए, हम आपके लिए बिल्कुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। फ्रेंड्स हमने आपकी इतनी मेहनत से वीडियो बनाया तो इसमें हमारा लाइक तो जरूर बनता है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो फ्रेंड आशा करते हैं वीडियो पसंद के आया होगा। हम इसी साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, अगली बार नए वीडियो और नई जानकारी फिर उपस्थित होंगे। तब तक फ्रेंड्स टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत।